आदरणीय प्रोफेसर ब्रजेश साहनी जी, डीन आर्ट्स एंड लैंग्वेज फैकल्टी और प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, सबसे पहले तो आप सबको गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत मुबारक। और क्योंकि वैसे तो हम हमेशा ही इन्हीं क्लासरूम में बात करते ही रहते हैं, गुरु रविदास पे भी करते रहते हैं, कबीरदास पे भी करते रहते हैं और दूसरे साहित्यकारों के बारे में भी हम क्लास के तौर पे बात करते ही रहते हैं। लेकिन जब इस तरह से कोई विशेष दिन होता है, चाहे आप ये मत सोचना कि पीछे सीटें खाली हैं क्योंकि हम कोई वोट तो मांग नहीं रहे हैं, आजकल तो वोटों वालों के भी सीटें खाली हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं संख्या की कोई बात नहीं होती। हम एक ऐसे संत के बारे में, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में उनको याद कर रहे हैं, 600 साल के बाद भी इतना समय हो गया है कि आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी कि जो अपने समय में तो इतने महान हुए ही और इतने समय के बाद हमें भी वो प्रेरणा दे रहे, बल्कि अपने समय में उन्होंने कितने साल जिए, वो 120 साल के करीब बताते हैं। अब उसमें सच है झूठ है वो एक अलग बात है, क्योंकि जो मध्यकाल के संत हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रामाणिक तौर पे हमें उपलब्ध नहीं है। अपने जीवन में तो उन्होंने जितना प्रभावित किया सो किया, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। और आप देखो कि वो बनारस में पैदा हुए, बनारस में रहे, और बनारस से कितनी दूर है पंजाब, और पूरे पंजाब में गुरु रविदास की मान्यता है। गुरु ग्रंथ साहब की जब संकलन हुआ, संपादन हुआ, गुरु अर्जुन देव जो पांचवें गुरु हैं उन्होंने संकलन किया, और गुरु नानक जो घूम घूम के सब जगह गए और वो पोथियाँ लेकर के आए, वो विचार लेकर के आए जो जहाँ जहाँ, चाहे सूफी हो चाहे संत हो, और उनकी वाणी को 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया गया। वो कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब मध्यकाल का, कि जिसमें 36 के करीब 9 गुरुओं के और बाकी संतों की जिसमें वाणी है, 10वें गुरु की वाणी उसमें नहीं है क्योंकि उन्होंने उनका अलग से वो है, लेकिन बाकी जितने गुरु हैं और जितने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जब हम देखेंगे इस तरीके से कि जब इन इतने महान लोगों के अंदर गुरु रविदास को स्थान दिया गया, और जब हम गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हैं तो हम गुरु रविदास को भी नमन करते हैं। उसमें जिन सब की वाणी मौजूद है, जितने लोगों की, जितने संतों की, उन सबको भी गुरु ही मानते हैं। जब ग्रंथ को गुरु मान लिया तो उस ग्रंथ में मौजूद जो वाणी है वो सब गुरु के तौर पे मानी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि उनकी बात में, उनकी वाणी में, जिनको गुरु नानक ने भी रिकॉग्नाइज़ किया, और गुरु नानक का जब नाम आता है आपके तो जरूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिल में पैदा होता होगा कि इतने बड़े 26 साल तक सारी दुनिया में घूमते रहे और जहाँ जहाँ धर्म की, ज्ञान की प्रैक्टिस के केंद्र थे अपने आप को, और उन सब के साथ जाके बात करते रहे, और फिर उसके बाद के जितने भी, जिस तरह से वाणी संकलित हुई तो उसमें उसको स्थान दिया गया। और फिर कबीर को भी आप जानते हैं, कितने महान संत हैं, कबीर दार्शनिक हैं, जिनकी सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिनकी वाक कला को, व्यंग को, स्पष्टवादिता को, साहस को और चुनौती प्रदान करने को रेखांकित किया गया, उन्होंने भी रविदास के बारे में कहा है कि ये तो संतों के संत हैं।
रविदास, यानी कि अपने समय में ही रविदास को, जिसको कहते हैं भारत रत्न, मिल चुका था और उसके बाद से मिल रहा है लगातार। तो जब हम ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया हो, तो सिर्फ उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कब पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, उनके माँ का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, सिर्फ यही हमारे लिए काम की बात नहीं होती है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे आप, और नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, गूगल पे भी लिखेंगे तो पता लग जाएगा, बहुत आसान छोटी सी जानकारी है। तो क्योंकि मैं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं MA के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, तो ये बातें आप खुद जान लेंगे उनके जीवन के बारे में, उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में, और हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उनके साहित्य के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे, कुछ ना कुछ उनके पद वगैरह पढ़े होंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई, ये जो युग है रविदास का युग, अब ये देखिए कि जो रविदास, गुरु रविदास के टाइम पे कबीरदास, रविदास, दादू और इतने संतों की लाइन लगी हुई है, आप पढ़ते हैं, इतने बंदे इकट्ठे हों एक जगह पे बनारस में, तो क्या ही माहौल रहा होगा, आप अंदाजा लगा, एक बार सोचो जरा कि वो कितना ज्यादा बौद्धिक उद्वेलन का समय होगा, कितना ज्यादा वैचारिक और बौद्धिक प्रखरता होगी उस समय के ऊपर। और वो कोई बहुत ऐसे कमरों में बैठ के, कैबिन में बैठ के शोध पत्र लिखने वाले नहीं थे। जब कबीर दास कहते थे कि पंडित जी शास्त्रार्थ करना है चौराहे पे, और पंडित जी बच के निकल जाते थे, जो शहर के, बनारस के सबसे बड़े शंकराचार्य महोदय रहे होंगे एंड कंपनी, वो बच के निकलते थे। कबीर तो कहते थे शास्त्रार्थ करना, यानी कि वो गली कूचे के अंदर जहाँ लोग बसते हैं, वो जो डिबेट की जगह है, वो सिर्फ एक कोठरी नहीं है कि अलग से 10 लोग बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, नहीं, एक जैसे जन बुद्धिजीवी होता है, जन दार्शनिक होता है, जनता के बीच में एक रिस्क लेते हुए, और शासन सत्ताओं को और जो मौजूद किस्म, जो पहले से मौजूद जितनी परंपराएं हैं, जितनी रूढ़ियां हैं, उन सबको चुनौती प्रदान करते हैं, उनको किसी शासन सत्ता से पुरस्कार लेने के लिए, ताज पहनने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि उसको बीच चौराहे पे खड़े होकर ललकारने के लिए जाना जाता है। और ये वो समय है, मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ आपको कि ऐसे टाइम कम ही होते हैं हिस्ट्री में। जैसे जब आप याद करेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इतने नेता आप नाम गिना देंगे, ओ इतने बड़े सैकड़ों नेता एकदम भारत में, भगत सिंह भी हैं, सुखदेव भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, अंबेडकर भी हैं, और इतनी लंबी लिस्ट है। थोड़ा सा उससे पहले जाओ, स्वामी दयानंद हैं, विवेकानंद हैं, ज्योतिबा फुले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, उससे पहले जाओ तो फिर ये कबीर, सूर, जायसी, रैदास, यही मिलेंगे। कभी कभी ऐसा टाइम आता है, मैं ये कह रहा हूँ, और वो जो टाइम होता है, ये जो 100 साल का, 150 साल का टाइम है, वही है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिन समस्याओं पे उन्होंने उंगली रखी थी कि ये है मनुष्यता की विकास में बाधा, जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी तब तक आदमी आदमी नहीं बन सकता, वो जो चिन्हित किया था उसी को प्राप्त करने के लिए हमारा स्ट्रगल है। हमारा जो भी, चाहे उसको संविधान कहो, चाहे उसको जैसे विकास कह रहे थे फ्रांस की क्रांति के नारे कहो, समता, बराबरी, भाईचारा, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यही आधुनिक समाज के प्राप्त करने के मूल्य हैं।
जो समाज इनको हम इसको इनको प्राप्त करने के स्ट्रगल में है, उसके उसके उसमें है। और यही कसौटी है एक इंसान होने की, एक अच्छी व्यवस्था होने की, एक अच्छा शासन होने की, कुछ भी चीज़ होने की, यही कसौटी बनी हुई है। और कब से बनी हुई है, तो अभी भी हमने वो चीज़ें प्राप्त नहीं की हैं। और क्योंकि वो प्राप्त करनी है इसलिए गुरु रविदास याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में जो मनुष्यता के विरोध में जो चीज़ें थी, जो प्रथाएं थी, जो रिवाज थे, जो लोग थे, जो बातें थी, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो ये वो टाइम है, हम जब भी ऐसे व्यक्ति को पढ़ते हैं तो अचानक नहीं कोई पैदा होता, बल्कि उसकी जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी पूरी परिस्थितियाँ हैं, यदि आप उसमें जाओगे ऐतिहासिक परिस्थितियों में, तो फिर आपको एक और भारतीय इतिहास का एक नज़ारा दिखेगा। फिर आप देखोगे कि ये रविदास तो किसान तो नहीं थे, ये तो दस्तकार थे, ये तो कारीगर थे, और ये गाँव के तो नहीं थे, ये तो शहरों में रहने वाले थे। और सिर्फ कबीरदास, रविदास नहीं, कबीरदास भी, जितने भी हमारे संत हैं वो सारे के सारे कौन है, वो कारीगर हैं, वो सारे हाथ से काम करने वाले हैं। और यदि फिर हम उनके साहित्य में जाएंगे तो उनके अंदर वो सारी की सारी जो शब्दावली है कबीर की, झीनी झीनी बीनी चदरिया, है ना, एक ताना करनी भरनी, सारा ज्ञान उसी एक ताना बाने में से ही समझा दिया। उसके लिए कोई महान ग्रंथ रचने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, उनको कोई इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिनका पूरा जोर लगा हुआ है हमारे शास्त्रों में, आपने देखा होगा। उन्हें आसानी से बता दिया कि क्या यार दुनिया कैसी है, कि ये एक ताना एक बाना, और जैसे कपड़ा बुन रहे हैं ऐसे ऐसे है? इतनी सरलता से जिंदगी का जो जीवन दर्शन जिसको बोलते हैं हम, वो बता दिया गया। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप हम गुरु रविदास को देखते हैं तो उस टाइम को भी देखें कि वो टाइम क्या था जिसमें रविदास बने, मेकिंग ऑफ गुरु रविदास। फिर ये भी देखें कि भाई ये क्या हुआ कि रविदास जो है बनारस में हुए और उनकी सबसे ज़्यादा महात्म्य गाया गया पंजाब में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्यों नहीं? कौन सा संत या विचारक कहाँ जाके प्रासंगिक हो जाता है और कहाँ जाके, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे हम स्टूडेंट्स के लिए, शोधार्थियों के लिए, कि ऐसा क्यों होता कि कौन कब महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एक तो हमें टाइम की बात है, मैं थोड़ा संकेत कर रहा था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जब हम टाइम की बात करते हैं तो गुरु रविदास को यदि हमें समझना है तो गुरु रविदास कोई अचानक तो पैदा नहीं हुए, हिस्ट्री के एक टाइम में पैदा हुए। अब यदि उस टाइम को देखें तो जिसको हम कहते हैं ना विरासत, गुरु रविदास की विरासत क्या है, जहाँ से उन्होंने सीखा, जिसकी आलोचना की, बहुत जबरदस्त विरासत है। किनकी? जो लोक में रहने वाले बुद्धिजीवी थे, गोरखनाथ, सूफी और महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे सिद्ध, उन वो हैं जो वो विचार करते थे, कि एक लंबी ट्रेडिशन है विचार विमर्शों की, वहाँ से गुरु रविदास, कबीर और ये जो इनका पूरी मंडली है, जो पूरा ग्रुप है इनका, व्हाट्सएप ग्रुप है वो जो है वहाँ से अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो जब भी हम किसी महान व्यक्तित्व को देखते हैं उसका समय और उसकी विरासत, और क्योंकि विरासत में बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं, बंदा खुद को किस विरासत से जोड़ता है ये क्वेश्चन है। हमारे इतिहास में सब चीज़ें हैं, सांप्रदायिकता भी है, जातिवाद भी है, सती प्रथा भी है, सामाजिक सद्भाव भी है, जाति के खिलाफ भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चुनते हो, आप किसको जोड़ते हो। सब सब मौजूद है, ट्रेडिशन में सब है।
हमारी अपनी च्वाइस है कि आप किसके साथ जुड़े, आप किस तरह का समाज चाहते हो, तो कैसी आप परंपरा से जुड़ोगे, कैसे लोगों की बात करोगे। तो गुरु रविदास ने किसको चुना, संत कबीरदास ने किसको चुना, और यहीं से ही उनकी लाइन स्पष्ट हो जाती है कि उनके विचार चिंतन क्या था। क्योंकि ये जो सिलेक्शन है, ये जो चुनाव है हमारा, जो इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि हमने क्या चुना है अपने लिए। बहुत चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं, उसमें से हम पांच चीज़ें चुन रहे हैं। क्यों? इसी से हमारी दिशा तय हो जाती है। और जैसे कबीरदास का एक बहुत ही शानदार पद है ना, दोहा है ना, आपने सुना होगा, मुझे तो पहली लाइन याद है, एक राम दशरथ का जाया, दूजा घट घट में समाया। एक राम दशरथ का जाया, यानी कि जो बहुत छोटा है और जिसकी महिमा आज भी गाई जा रही है, बल्कि और भी ज्यादा, वो सबसे छोटा है। एक राम दशरथ का जाया, एक राम घट घट में समाया, थोड़ा विस्तार हो गया। एक राम का सकल पसारा, और ये पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी नेचर है, एक राम ये है, और एक राम सब तै न्यारा। अब ये जो चीज है कि अब आप कौन से राम को पकड़ते हो, चार बता दिए उन्होंने, तो इसी से डिसाइड हो जाता है कि भी आप जो है कितना आपका विस्तार है। सबकी अपनी अपनी जगह है। एक राम दशरथ का जाया, इतने से मैं एक राम घट घट में समाया। जब ये जो चीज है, इसी से ही जो ट्रेडिशन में तो सारी चीजें हैं, रामायण भी है, दशरथ का बेटा भी है, और दूसरा राम भी है, दूसरे दर्शन भी हैं, तो किसको रविदास ने चुना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी से हमारे भी चरित्र इसी से तय होते हैं कि हमने क्या चुना है, कौन सा हम, तो हमारे भी इसी से पता चलता है। ये ना सोचना कि भी सिर्फ रविदास के बारे में ही परीक्षा होगी, परीक्षा आपकी भी होगी क्या, आप क्या चुन रहे हो। खैर, दूसरी जो चीज़ है कि रविदास के बारे में आप ये जान लेंगे, मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ, कि दूसरी चीज़ है जो रविदास हमारे पास कैसे पहुँचे, रविदास को हम किन सोर्सेज से जानते हैं, दूसरी बड़ी ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम रविदास जी को कैसे जानते हैं, या तो गुरुओं की कथाओं के माध्यम से जानते हैं, या कैसे जानते हैं, वो तो एमए वालों को ही पता है, वो तो बहुत छोटा सा है। तो जहाँ से वो आ रहे हैं, जो रविदास जी की जो वाणी है, जो उनका व्यक्तित्व है, उनको हम कैसे जानते हैं, जो उनके बारे में जो बहुत सारी लोक कथाएं, जनश्रुतियां, बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी ऐसी कथाएं रची गई, उनके माध्यम से जानते हैं। और वो सब कथाएं रविदास जी ने तो रची नहीं, उनके बाद के लोगों ने रची, उसमें कुछ तो उनके अनुयायी थे, कुछ तो उनके विरोधी थे रचने वाले। अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कबीर के खिलाफ कबीर, रविदास के खिलाफ रविदास, कि जो चीज़ें रविदास जी ने अपनी ज़िंदगी में विरोध किया, जिन चीज़ों का, कथाओं में वो सब वही चमत्कार कर रहे हैं। कहानियाँ ऐसी मिलेंगी कि गंगा जी में मूर्ति त्रयादि थी, दूसरी चीज़ें मिलेंगी। अब ये कि वो ने तालाब और कुंड खुदवाए थे, मंदिर बनवा दिया था गुरु रविदास जी ने, मंदिर बताइए, गुरु रविदास जी ने मंदिर बनवा दिया था कहानी में। सारी जिंदगी वो लड़ते रहे कि काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लियो बनाए, ये कहते रहे सारी जिंदगी, और उसके नाम पे कहानियां चल पड़ी कि उन्होंने तो मंदिर ही बनवा दिए थे, शिवालय, कमाल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में, कुछ कहानियां तो ऐसे बनाई गई जो रविदास की जो वाणी है उसके खिलाफ है।
यानी कि आप इसको भी देखेंगे कि कोई चीज हम, कोई व्यक्ति, कोई विद्वान जो है वो कैसे हमारे तक पहुंचता है, उसके सोर्सेज क्या है। बहुत चीजें पोल्यूटेड होकर के आती हैं हमारे पास, विकृत रूप में आती हैं, प्रोसेस्ड मटेरियल आता है क्या, सीधा नेचर से नहीं आता, फैक्ट्री में बढ़ के आता है डिब्बा बंद मटेरियल, और उसमें प्रिजर्व करने के लिए नमक, चीनी, तेल मिलाया जाता है, पता ही आपको, और फिर हमारे सेहत को खराब करता है। डॉक्टर साहब बताएंगे उस बात के भाई जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड है जो, वो दिमाग के लिए भी आता है, और वो इन कहानियों में आपको मिलेगा। एक बार ये जो कहानियां जो आप सुनते हैं किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में, उनको भी हम विद्यार्थियों को थोड़ा सा डिकोड करना चाहिए, उनको भी थोड़ा उलट पुलट के देखना चाहिए, एक भक्त की तरह से नहीं, मुंडी नहीं मारते रहना चाहिए कि हाँ, थोड़ा उसको क्रिटिकली, आलोचनात्मक तरीके से देखने की जरूरत होती है। अब उसमें कुछ कहानियां उनके अनुयायियों ने बनाई। अब वैसे मैंने ना रिपीट करता है, लेकिन मैं एक कहानी चलो सुना देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या हुआ कि गुरु रविदास ने कहा, चैलेंज किया, सर की शास्त्रार्थ की धर्म उपदेश दे रहा है, एक अछूत धर्म उपदेश दे रहा है, उसकी शिकायत राजा को कर दी। कहानी है, हिस्ट्री मत समझना। राजा पे शिकायत कर दी जो वहाँ बनारस के थे कोतवाल, कि ऐसे ऐसे धर्मशास्त्रों में अलाउड नहीं है किसी उसको धर्म के उपदेश देना, वो कर रहा है, रविदास, कबीर, सबकी शिकायतें होती थी ऐसे। तो इसको बुलाया गया कि भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, गैर कानूनी काम है, तो देशद्रोह बनेगा। तो बुलाया गया कोर्ट में, दरबार में हाजिरी हुई, और वहां पे जो शिकायत करता थे, वहां पे हुआ कि ठीक है, आप यहां चैलेंज शास्त्रार्थ यहां पे होएगा। अब शर्त क्या रखी गई कि ये मूर्ति रखी हुई है श्री कृष्ण जी की, कहानी है, आप ये ध्यान रखना, ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, यदि ये जिसकी तरफ चली जाएगी वो जीतेगा, और जो हारेगा उसको, जो जीतेगा उसको अपने कंधे पे बिठा के जुलूस निकाल लेगा, झांकी निकाल लेगा पूरे शहर में, ये शर्त है। अच्छा जी, अब जो भी हुआ होगा, अब वो मूर्ति जो है वो रविदास के गोदी में आके बैठ गई श्री कृष्ण। अब ठीक है, अब जो शहर के ब्राह्मण है, अब शर्त कैसे पूरी करें कि अछूत को कंधे पे बिठा के कैसे घुमाएं, संकट हो गया ना। लेकिन राजा भी थोड़ा पक्का था, उसने कहा कि नहीं, जो भी हो, मूर्ति तो गई है तो घुमाना पड़ेगा। पूरे बनारस में जो महान आचार्य थे, और जो कहते कि दूर रहो, छाया भी नहीं आनी चाहिए, अपने पालकी पे बिठा के रविदास को घुमाया पूरे बनारस में। क्या नजारा रहा होगा, क्या मजा आया होगा, मतलब आप सोच के देखिए कि जिस बंदे ने ये कहानी बनाई है कि वो क्या चाहता है, कि जो दूर रखना चाहते हैं वो जो है कंधे पे बिठा के घुमाएं रविदास को। इस कहानी का ये वो आता है, जिसने कहानी बनाई है उसको 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 आप तालियां बजा सकते हैं उसके लिए, कि भाई जो बैठे कुमले से। तो ये जो जो कहानी ये बनी वो इस तरीके से बने। तो ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें जन आकांक्षाएं, जिसके अंदर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, वो आपको दिखाई देंगी कि किस तरीके से लोग क्या चाहते थे, कि रविदास का सम्मान किस तरीके से हो। अभी देख, कहानियां तो बहुत है, मैं सुनाने लोगों में तो सारा मेरा समय जो है कहानियों में जाएगा, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें यदि आप उसको, उन कहानियों को थोड़ा खोल खोल के देखेंगे कि इसके पीछे क्या मंशा है,
इस कहानी के पीछे, तो आपको दिखाई देगी। एक कहानी और सुना देता हूँ, चलो। रविदास जी पैदा हुए तो उन्होंने माँ का दूध पीने से मना कर दिया। क्या, क्यों पैदा कर, क्यों मना कर दिया? आप देखिए कहानी क्या जबरदस्त बनी है। दूध पीने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म के ब्राह्मण थे रविदास जी, एक अछूत के घर में पैदा होकर के उसका दूध कैसे पी सकते थे? संकट पैदा हो गया। तो एक ब्राह्मण को बुलाया गया, उसने शिनाख्त की कि हाँ ये मेरा चेला था पिछले जन्म में, और ये मैंने इसको श्राप दिया था कि तू शूद्र के घर पैदा होगा। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि ये एक सुनार के यहां से भिक्षा मांग लाया था और वो फिर मेरे को खिला दी थी इसने। अभी सीधा शूद्र के घर से नहीं आई थी भिक्षा, घूम के आई थी वाया। तो उसने श्राप दे दिया जी। फिर पंडित जी ने उसको समझाया, भाई कोई बात नहीं, पी ले दूध, दूध पी लिया। क्या शानदार स्टोरी है। अब किसी ना किसी तरीके से रविदास जैसी प्रतिभा एक शूद्र के मोहल्ले में कैसे पैदा हो सकती है? उसको किसी ना किसी तरह से पिछले जन्म में किसी ना किसी तरह से फंसा कर वहीं पैदा करना है, जो यहां कहा जाता है कि प्रतिभाएं खास जगह पे पैदा हो। अब देखिए स्टोरी कैसे बनाई। पैदा होते ही मां का दूध पीने से मना कर दिया। वाह रविदास, ये जो कहानियां बन रही हैं, आप इनको थोड़ा सा खोल के पढ़ने की कोशिश करें कि आखिर इन कहानियों के अंदर मैसेज क्या है। कैसे रवि, आपने हिंदी वालों को तो पहला चैप्टर यही पढ़ा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के यहां पैदा हुए। क्या बड़ा तगड़ी पहचान करी। एक जुलाहे के घर कबीर कैसे इतने प्रतिभाशाली आदमी पैदा हो सकता है? किसी ना किसी तरह से उसका कनेक्शन जो है वहीं से लगाना पड़ेगा। तो एक ये मैं आपकी तरफ संकेत कर रहा हूं कि जो ये जो जिस माध्यम से संत रविदास, संत कबीर हमारे जहन में आते हैं, जैसे हम उनको ग्रहण करते हैं, वो जो सोर्स हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, उसमें कितने ओरिजिनल रविदास हैं और कितने मैन्युफैक्चर्ड हैं, कितने मैनिपुलेटेड हैं, ये देखने की जरूरत है। हर हिंदी के या विद्यार्थी को या बुद्धिजीवी को या जो भी समाज में सोचना चाहता है इन चीज़ों के बारे में कि ये कैसे क्रिएट किया गया एक कैरेक्टर है और इसकी रियलिटी क्या है, एक ये चीज़। दूसरी बात, अपने समय और उसकी हेरिटेज या ट्रेडिशन के साथ साथ, उसका चुनाव करने के साथ साथ, जिन सोर्सेज के माध्यम से वो हमारे पास, देखो ये तो सिंपल है ना कि रविदास तो अपने कान में आके बता के नहीं गया कि भाई मेरी वाणी ये है, कहां से आ रहा है। तो इस चीज को हमें डाउट करके देखने की जरूरत है, संदेह करके देखने की जरूरत है कि इसमें कितना हुआ है। अब मैं दूसरी बात, दो ही बातें कहूंगा कि एक चीज है जो रविदास के विचारों की हम बात करते हैं कि देखिए वो मध्यकाल है, ये हमेशा ध्यान रखिए, और मध्यकाल में जो धर्म जिसको हम बोलते हैं, धर्म संस्था जिसको हम बोलते हैं, उसका ही वर्चस्व था, वहीं से नैतिकता आ रही है, वहीं से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आ रहा है, वहीं से हमारे जीवन के सारे चीज़ें आ रही हैं, वही हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है, सामाजिक जीवन को, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन को नहीं, हमारी पूरी पॉलिटिकल पावर को भी वही जो है नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो दो तरह के धर्म है, एक इंस्टीट्यूशनल संस्थागत धर्म, कर्मकांडी धर्म, और दूसरा ह्यूमनिज्म जिसको बोलते हैं मानवीय धर्म। अब रविदास जी के अंदर ये चीजें आपको दिखाई देंगी कि वो सारे संस्थागत धर्म का, कर्मकांडों का विरोध करते हैं,
कबीरदास के बारे में आपने सुना होगा, जानते ही हैं हम सारे। तो वो क्या करते हैं, मैं इसमें से एक लाइन सुनाऊंगा आपको। जितने भी कर्म कांड हैं उन सब का वो विरोध करते हैं, और जो धर्म का मानवीय पहलू है उसको वो बढ़ाने की बात करते हैं। तो वो जो, अब देखिए, जैसे उनके बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, मन चंगा कठौती विच गंगा। यदि आपका मन चंगा है, हृदय निर्मल है, यदि आप, तो कठौती, वो जो लकड़ी का बर्तन होता है जिसमें चमड़ा सड़ाया जाता है, काठ का बर्तन, सबसे गंदा पानी होता है उसमें। यदि आपका मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। गंगा में जाकर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर की मैल धुल जाएगी, आत्मा तो नहीं धुल सकती ना। गंगा का पानी क्या करेगा भाई, आपका मैल काट देगा शरीर का। ये तो ये उनका सारा जोर किस चीज पे है, उनका सारा जोर अंतर पे है। जैसे कबीर दास की भी आप पढ़ते हैं सारी चीजें, कि वो कि जैसे शरीर साधना होती है ना, अपने शरीर को पवित्र बनाना, वो जो पद है ना, जीनी जीनी बीनी चदरिया मैली, क्या था, नर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, और दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो क्या चीज है चादर, मैली नहीं करी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। भाई हमें नेचर से एक शरीर मिला है, हम इसके साथ जुल्म तो बहुत करते हैं, मतलब इसकी रक्षा, इसी के अंदर है आत्मा, इसी के अंदर है मंदिर, इसी के अंदर है ईश्वर। यदि ये घट है, यदि ये मंदिर है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यदि उसकी आप वो कर सकते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं शरीर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसकी पवित्रता इसके अंदर ही है वो, इसलिए वो बाहर जाने की क्या जरूरत है, गंगा में नहाने की, फला चीज करने की, व्रत रखने की, उपवास करने की, क्या होगा उससे, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, आत्मा नहीं क्या, व्रत रखने से क्या होगा, आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, आत्मा कैसे ठीक होगी। इसलिए वो सारी चीजों को कहां लेकर के आते हैं, वो सारी चीजों को लेकर के आते हैं, मन चंगा कठौती विच गंगा। मैं एक लाइन सुनाता हूं, माथे तिलक हाथ जप माला। क्या करैक्टर बनाया, देखिए आप याद करो, बनाओ एक बार, मजा लो थोड़ा सा। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। क्या ये स्वांग किस लिए बनाया, जग ठगने के लिए बनाया। क्या बात है, किस लिए इतना रूप धारण कर रखा, जग ठगने को स्वांग बनाया। और क्या लोगे इससे कबीर, नहीं, कर का मन का डार दे, और मन का फेर, कबीरदास ने जो कहा है, हाथ वाला मन का तो फेंक दे, और जो मन का उसको घुमा ले। ये जो ये रविदास से पढ़ रहा हूं मैं, जग ठगने को स्वांग बनाया, फिर क्या कहा, मार्ग छाड़ कुमार्ग ढक, कि मार्ग को छोड़कर जो सही रास्ता है, कुमार्ग पे चल रहा है, उसके ऊपर ढक रहा है, उसके ऊपर छलांगे मार रहा है, कैसे, और सही मार्ग क्या है, सांची प्रीत बिन राम न पाया। क्या सांची प्रीत, ये जो सच्ची प्रीत है, उसके बिना राम न पाया। फिरे जाओ तागे बांधे, करवा लो अष्टकुंडी यज्ञ, कुछ नहीं होना,
40 दिन व्रत रख लो, उल्टे लटक लो, जल समाधि ले लो, कितने तरीके हैं, अनेक तरीके इजाद किए गए हैं शरीर को तड़पाने के लिए, अनेक तरीके। और उन सब का मंत्र क्या है कि जितना आप अपने शरीर को तड़पाओगे, इंद्रियों को तड़पाओगे, उतना मोक्ष के नजदीक जाओगे, भगवान का जल्दी वीजा मिल जाएगा आपको। ये कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सारा सिद्धांत क्या है इन संतों का, सहज समाधि भली। क्या नेचुरल? सहज मतलब नेचुरल। क्यों यार ऐसे लपेट रहे हो? ये जो कर्मकांडी धर्म है, जो संस्थागत धर्म है, जिसमें चाहे मंदिर बनवाने हो, चाहे पूजा स्थल बनवाने हो, चाहे किसी भी तरह की चीज आप ले लीजिए, फिर उसमें कीर्तनों जुट रहे हैं लोग हैं। फिर वो कहता है कबीर, ये रविदास, कहा भयो नाचे और गाए। देखा ना आपने, जुलूस निकलते नाचते हो के कीर्तन, कहा भया, कुछ नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होएगा। ऐसी भक्ति सुनो रे भाई, आई भक्ति गई बढ़ाई। जब भक्ति आती है ना, तो बढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं महान हूं, पावर है मेरे पे, मैं पता नहीं क्या कर दूं। और अहंकार चाहे ज्ञान का हो, चाहे रूप का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, किसी भी चीज का हो, चाहे जाति का हो, ये जो चीज है भक्ति आती है, ये भी कब कब है, वही 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 फिर आ गए, मन चंगा, सब चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं। तो कहते हैं कहा भयो नाचो और गाए, कहा भय तब कीने, और यानी कि जितने भी हैं आप जोड़ लो सारे, इसमें सुनाने की बजाय पढ़ लोगे आप सब से, बहुत सारी चीजें जितने भी ये कर्मकांड रचे हुए हैं कि लगे हुए हैं, वो सारे चल रहे हैं अभी भी। अभी भी यदि आप कुरुक्षेत्र का ही दौरा करोगे ना, कितने तरीके से लोगों का बुद्धू बनाया जा रहा है या भक्ति करी जा रही है, तो आप हैरान मान जाओगे कि भी इतना दिमाग लगाया है यार इस चीज के ऊपर। तो ये उन्होंने, गुरु रविदास जी ने कहा, और इसके लिए इसलिए वो कहते थे कि जो आचरणगत धर्म है, व्यवहार में ना, जो प्रैक्टिस में है, वो इंपॉर्टेंट है, कर्म कांड में नहीं। आपने देखा होगा ना, वो यहां लिख देंगे शुभ लाभ है ना, सब वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। पूजा कोई काम नहीं है क्या भाई? अपने काम में बस ये रख दे, अपने काम ही पूजा है। आपके जो आप कर रहे हो उसी को पवित्र भाव से करिए। उसमें यदि आपकी बैड इंटेंशन है, जो आप काम कर रहे हो उसके साथ आप खयानत कर रहे हो, उसके अंदर आप, आपकी नियत ठीक नहीं है, और आप अलग से पूजा भी कर लेते हो शाम सवेरे, आधा आधा घंटा इस काम का भी रखा हुआ है, जैसे झूठ बोलना एक काम है, ऐसे ही मंत्र उच्चार करना भी एक काम है, नहीं, वर्क इज वर्शिप। कि आपको अलग से वर्शिप करने की जरूरत ही नहीं, क्या ना अलग से फिर ना, मतलब तुम बिठा के तड़की, आप अपने काम में ही ये करिए, ये कह रहे हो वो। तो इस ये यही इन्होंने कहा, कहते और इसी चीज की चीज है वो, क्योंकि जितने भी हमारे मध्यकाल के जितने भी संत हैं, आचरण, आचरण मतलब एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव, जो जिसको हम लोक ज्ञान बोलते हैं, वो ना एक्सपीरियंस पे होता है, अनुभव पे होता है। और शास्त्र का ज्ञान जो है वो कथाओं पे होता है, फलाना ने न्यू कहा था, कोटेशन, क्या उद्धरण, शास्त्र ज्ञान नहीं, लोक ज्ञान। इसलिए पूरे भक्ति काल को लोक जागरण भी कहा जाता है, एक्सपीरियंस। इसलिए जो सच्चाई है, क्योंकि एक्सपीरियंस सच्चाई रियल, इनका सारा जोर इस चीज के ऊपर है। और इसीलिए वो कहते हैं
देखो कबीरदास में तो बहुत तीखे रूप में आया और गुरु रविदास में भी है, तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आंखिन देखी, तो पोथी वाली कह रहे हैं, तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आंखिन, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होए रहे, तेरा मेरा एक कैसे हो सकता है, हम तो अलग अलग हैं क्यों, तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता उलझावन हारी, तू तो उलझाने के लिए कहता है और मैं सुलझाने के लिए कहता हूं, बिल्कुल कंट्रास्ट है। कबीर का पद है बहुत शानदार, तू कहता उलझावन मैं कहता सुलझावन हारी, तू रख उलझायो रे, इस तरीके से वो कहते हैं कि आंखिन देखी, सारे संत कह रहे हैं मैं तो वो कह रहा हूं जो मैंने देखा, देखा मतलब एक्सपीरियंस किया, सुनी सुनाई नहीं कह रहा, सुनी सुनाई बात नहीं है, इसलिए इनका सारा जोर एक्सपीरियंस पे है, सत्य पे है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए जब हम इनको पढ़ेंगे इसी आधार पे ये नेगेट करते हैं, इसी आधार पे सब चीजों को कर्मकांडों को दूर करने का तरीका क्या है कि यार जरूरत ही नहीं है, तो ये एक, तो ये एक बात मैं आपको कहना चाहता, दूसरी चीज जो है वो है जो पहले जिसका जिक्र थोड़ा सा हल्का आया कि जितने भी भेदभाव मूलक चीजें हैं, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे रंग हो, कोई भी हो, उसके वो नहीं, उसके खिलाफ और जो सम है बराबरी है उसके पक्ष में, दूसरी बात इनके अंदर ये है, कितनी चीजें हैं जो दिखाई देंगी आपको यदि मैं रविदास जी में से पढ़ना शुरू करूं, कि मेरे ख्याल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग उसको जानते हो, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं, ठीक है, एक माटी के सब भांडे, क्या हम सारे बासण हैं, क्या बर्तन ही तो हम, पात्र क्या होते हैं, हम नाटक में आते हैं सर पात्र, पात्र मतलब बासण, मतलब हम सारे बर्तन ही हैं, ऐसे कहते हैं इसका तो बर्तना व्यवहार ठीक नहीं है, ये लोक लैंग्वेज है, बर्तन मतलब आदमियों को ही कहा जाता है, बासण ये बासण ऐसा इसमें यो बर रख्या ये, तो खैर, तो एक माटी के सब भांडे, एक ही मिट्टी के हैं सब लोग, इसका मतलब क्या है कि अपने आप ने बड़ा चौधरी समझ रहा है, अपने आप को बड़े वर्ण का समझ रहा है, अपने आप को बड़ा ही समझ रहा है, एक माटी के सब भांडे ये कहते हैं, कहीं से भी उठाओ कहीं से भी पढ़ो, ए सबका एको सृजनहारा, रविदास व्यापे एको घट भीतर, सबको एक घड़ा कुम्हारा, एक के बनाए हुए हैं सारे भेदभाव, जात पात के फेर में उरझ रहे सब लोग, और मानुषता को खात ही जात पात का रोग, देखा कितने जबरदस्त बात है, मानुषता को खात ही, ये सिर्फ ये नहीं है सबचों के भी जो नीची जाती है उन्हीं की बात है, सबकी मनुष्यता को खा जाती है, यही एक लेक्चर हमने बुलाया था अनुराधा बेनीवाल को, मुझे इसकी बात याद ध्यान आ रही है, उनके फादर भी थे साथ में कृष्ण बेनीवाल, उन्होंने इसी मंच से एक बात बोली थी इसी कमरे, वो कहते हैं यार उस टाइम ना जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, वो कहते कहते जब हम 50% यदि मैं जाट हूँ ना तो मैं आदमी 50% ही हूँ, जितने जितने हम कास्टिस्ट हैं उतने उतनी हमारी आदमियत घट गई, ये कह रहे थे वो, मेरे को वो बात भूलती नहीं है, मानुषता को खात ही जात पात का रोग, रोग है ये क्या, और कई बार आप इसने बड़े प्यार के साथ पाड़ कर रखते हैं कि हा हा इस जात को थोड़े जो उनसे थोड़े बड़ी जात के होते हैं वो ज्यादा पालते हैं इसको, उनको थोड़ा ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये रोग जो है दिखाने में बहुत बढ़िया है, इस ये भी एक वैल्यू एसेट है, तो ये जो चीज है कि भेदभाव मूलक जो भी चीजें हैं, और देखिए
भारतीय समाज व्यवस्था में क्या है, जिसको हम कहते हैं ना, कई बार लोग ब्राह्मणवाद बोल देते हैं, कई बार लोग उसको मनुवाद बोल देते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं, एक वर्ण व्यवस्था और एक पितृसत्ता। ये दो विशाखियाँ हैं इस चीज़ की। वर्ण व्यवस्था मतलब जिसमें जात पात है, ऊंच नीच है, चार वर्ण है, ये। अब ये सारी बीमारियों की जड़ यही है। जितनी भी आप देखो बुराइयाँ कहाँ से आ रही हैं, या पितृसत्ता मतलब पैट्रियार्की की पुरुष प्रधानता और स्त्री, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, सती प्रथा, विधवा, फलां फलां फलां, कोई बीमारी ले लो आप, वो कहाँ, इनकी जननी यही है और कुछ नहीं है। सारा जो हमारा नैतिक बोध है, सारा जो हमारा एक अच्छी लड़की को के क्या लक्षण है, नीची गर्दन करके चलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए, जे कोई कुछ कह दे चुपचाप कर आगे अपने बाप ने बताओ, वहीं जाकर न जवाब दियो। जो एक जीव मात्र के आत्मरक्षा के गुण है वो भी खत्म कर दे, किसी कीड़े का भी उंगली लगा के देख लो उल्टा काट कर। हमारे माँ बाप हमें ये सिखाते हैं, कोई और नहीं। आपको मैं बता रहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम कितनी बड़ी कृति है, उसमें शकुंतला का जो बाप है कण्व, ऋषि कण्व, जब वो जाती है ना, कहानी आपको पता भूल भाल गया था, लेकिन वो छोड़ के आते हैं उसको दुष्यंत के पास, मैं उस कहानी नहीं सुना रहा, तो वो पता क्या बोलता है, कहता है अब तू जा रही है इस घर से, दोबारा वापस मत आना, तेरी डोली उठी है वहां से लाश ही आएगी। और वहां जाते है वो भूल जाता है, कहता मैं तो पछाड़ता भी नहीं तेरा, तो कह रही है मेरे लड़के की माँ है, कहानी पता है ना आपको। अब वो कहाँ जाए, बाप के यहां जाना नहीं, दुष्यंत जी भूल गए, अब वो कहां जाए। पैट्रियार्की, ये जो सीख है पितृसत्ता, कोई ना कोई संरक्षण चाहिए, बचपन में बाप का, जवानी में पति का, और बुढ़ापे में बेटे का, और यदि ना हो तो फिर देखो क्या क्या हो, जला दो चाहे जो मर्जी कर दो। इसी के खिलाफ जितने समाज सुधारक हैं हमारे सारे क्या कर रहे हैं, और वो पूरी हिस्ट्री उठा लो इंडिया की, इसी चीज के तो खिलाफ है। पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था, सारा जोर तो महात्मा बुद्ध का लग गया इसी काम को सफाई करने में, अग भाई किचड़ कोटा हो। सारा कबीर, गुरु नानक, रैदास, गरीबदास, धन्ना, पिप्पा, सेना, चोखा मेला, कितने नाम ले लो, एक लंबी लिस्ट है। मॉडर्न इंडिया के ले लो, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, भगत सिंह, और जोड़ लो आप जितने जोड़ने हैं। किस बात पे जोर है, वर्ण व्यवस्था, पितृसत्ता। ये रविदास जी ये कह रहे हैं कि जो भी व्यवस्था इस असमानता को, भेदभाव को वैधता प्रदान करती है, जो ग्रंथ, जो विचार, जो कहते हैं ना मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यम गीता में, कि चार वर्णों की सृष्टि मैंने की है। अब भगवान के जिम्मे डाल दिया, भगवान किसी ने मिलेगा नहीं, जबकि ये किसी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की चीज है, सामाजिक निर्मित है, इससे कुछ लोगों को फायदा होता है। दुनिया में क्या चीज है, नॉलेज है सबसे ऊपर, पहला वर्ण ब्राह्मण सबसे ऊपर नॉलेज, दूसरा क्या है पॉलिटिकल पावर है क्षत्रिय, तीसरा क्या है संपत्ति है, ये है पावर के स्रोत, और क्या होते हैं, और ताकत कहां से आती है आदमी में, और पावर कहां से आती है भाई, तीनों ले लिए बाकी बच गए क्या करेंगे रविदास। और ये जो चीज है कि ये जो इसके खिलाफ, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, वर्ण के नाम पे हो, किसी भी चीज के नाम पे हो,
इसको वो करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक ना बहुत ही शानदार उनका एक पद है बेगमपुरा, आपने सुना होगा बेगमपुरा, बेगमपुरा जिसमें कोई गम ना हो, बेगम जिसमें कोई गम ना हो, बहुत ही शानदार कल्पना है डॉक्टर साहब। बेगमपुरा, बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंदोह नहीं ते ठाव, मैंने एक ऐसा नगर है जिसमें कोई गम ना हो, सब आनंद ही आनंद है, जिसमें कोई दुख अंदोह ना हो, जिसके अंदर कोई तस्वीर खिराज और माल नहीं देना पड़ता टैक्स, जगह 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 जेब नहीं काटी जाती मारी टोल टैक्स पर, खौफ न खता न तरस जवाल, जहां कोई खता खौफ न खता, जहां कोई खौफ नहीं है कोई डर नहीं है। मैं यहां बोल रहा हूं तो कदे बोलती बंद ना करवा दे मेरी, कोई खौफ नहीं है, कोई वहां पे खता नहीं होती, कोई तरस नहीं, तरस जवाल नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर जो दयनीय नहीं है, दीन कोई नहीं है, सब सक्षम है, सब समर्थ है। भिखारियों की लाइन नहीं लगी हुई कि वो इतनी करुणा से बोलेंगे कि आपका थोड़ा सा थोड़े द्रवितों का आप उसको एक रुपया दे दो, नहीं। जब कोई भिखारी आपसे भीख मांगता है वो तो होता ही है, आप देख लो आपके अंदर कैसी प्रतिक्रिया पैदा होती है, बच दे फिर नहीं, लुक दे फिर अपने आपसे कि यार देना ना पड़ जाए, मतलब क्यों कर मुंह दिखाऊं इसको, ऐसा क्यों होता है, हम तो नहीं मांग रहे भीख लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है। ना तरस जवाल, कोई दयनीय व्यक्ति ही ना हो, कोई दीन हो ही क्यों, ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो कि कोई दीन हो ही क्यों। अब मोई खूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई, वहां ऐसा मैंने ढूंढ लिया जहां सब खैर है, हमेशा खैर ही रहती है, अच्छी अच्छी खबरें ही आती हैं, अच्छे दिन आ चुके होते हैं वहां पे। कायम दायम सदा पातशाही, हमेशा कायम रहती है क्या पातशाही, पातशाही मतलब सच्चाई का राज, झूठ के पुलिंदे नहीं फेंके जाते हैं रोज मंचों से, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम एक सोआही, कोई दोयम सोयम नहीं होता, सेकंड थर्ड नहीं होता कुछ, एक सोआही, एक सब बराबर, एक सोआही, जहां ये सब चीज हो, आप देखिए क्या कमाल कर दिया। और त्यू त्यू, मैं छोड़ रहा हूं इसको थोड़ा सा बस बता देता हूं, कहते त्यू त्यू सैल कर ही ज्यू भाव है, वैसे वैसे घूमो जैसे जैसे आपको अच्छा लगा, महरम महल न को अटकावे, कोई आपको रोकेगा नहीं कि भाई आपने वहां मिलने के लिए एंट्री बैन नहीं, आपकी कोई वीजा कोई और ये वो फलां फलां कि यहां नहीं आप जा सकते वहां नहीं जा सकते ना। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, जो हम सहरी है, जो ऐसे वतन में भरोसा करता है, जो इस आइडियोलॉजी में भरोसा करता है, सो मीत हमारा, हमारा मित्र कौन है, वही है। अपना पराया कौन है, ये नहीं कि भी ये मेरी जात का है ना, जो हम सहरी सो मीत हमारा, जो इन मूल्यों में विश्वास करता है वो हमारा मीत है। और यदि आप देखेंगे, चलो मैं बस खत्म कर रहा हूं कि बेगमपुरा के बाद जो संत रविदास का, क्योंकि वो एक जन कवि कह सकते हैं हम उनको, अब यार हमारे साहित्य में वो डंगर नहीं आए, वो पशु नहीं आए जो आम लोगों के पास रहते हैं, भेड़ बकरी इन पे आपने कोई रचना पढ़ी हो तो बता दियो, पुराने ग्रंथों में पढ़ी हो तो वो और भी अच्छी तरह बता दियो, जो आम साधारण लोगों के पास चीज़ें होती हैं, जो आम साधारण लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कबीर ही पहला बंदा होगा जिसने जुलाई की वो जो है ना अथी वो कविता में आई होगी पहली बार,
ये रविदास जिससे जुत्ते बनाता है, रामपी और दागा का, ये पहली बार कविता में आ रही है। कविता का लोकतंत्रीकरण हो रहा क्या? कविता के रास्ते खोल दिए। अभी तक तो सिर्फ वहां चिकने चुपड़े शब्द आते थे, घिसा घिसा का, घिसा घिसा के। और ये कविता में आ रहे हैं आम साधारण लोक शब्द, जन जनभाषा, जन की इच्छाएं आकांक्षाएं। तो इस तरीके से हम देखते हैं संत रविदास को, गुरु रविदास को, कि हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे आगे भी लेक्चर होना ही है, नहीं उनमें करते रहेंगे, लेकिन हम हिंदी वालों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास इतना अच्छा रिच लिटरेचर है, इतना समृद्ध साहित्य है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अनुभव से पूरे मध्यकाल की, पूरे उस युग की चेतना को समाये हुए है, और जो हमारी मानवता को, जैसे कहते हैं ना कि भी एक बार कबीर का हाथ तो लग जाए यार, किसी तरीके से स्पर्श हो जाए कबीर का, एक बार रविदास का स्पर्श हो जाए आपको, वो इनके पदों में है बात। आप ये मत देखिए कि ये थोड़ी मुश्किल है हिंदी, ये है एक प्रश्न लिखना है, ना प्रश्न से ज्यादा बड़ी बात है वो, जो है ना गंगा में नहाने से तो आपका सिर्फ मैल धुल सकता है, जब यदि थोड़ा सा मांझा इनका लग गया ना आपके रविदास और का, तो आपकी आत्मा ही निखर जाएगी। उस चीज की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में ये शामिल हो जाए, और वो साहस, वो निडरता, वो सच्चाई के साथ खड़े रहने की बात, जो वो अनुभव को अनुभव करना और फिर उसको साहस के साथ बताना, ये शक्ति आ जाए, और क्या चाहिए, क्या लोगे और नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि भी, और रविदास जयंती की एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार उनका डिकोडीकरण किया है, और हमारे जो मध्यकाल के संत हैं उनका प्रस्तुतिकरण ही बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सर ने बताया माला का उदाहरण से, और आप देख रहे हैं रविदास की फोटो सामने है, उनके तिलक भी होगा और माला भी होगी, ये प्रस्तुतिकरण ही है जो हमारे चित्तवृत्तियों में संचित हो जाता है। और सर ने बताया एक रविदास की पंक्ति के माध्यम से, बेगमपुरा की कल्पना, यानी एक ऐसा शहर जिसकी वो कल्पना कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं जो शहर, जिस देश, जिस राज्य में वो रह रहे हैं उससे वो दुखी हैं, उससे वो संतुष्ट नहीं है। और आधुनिक काल में चाहे भगत सिंह हो, चाहे गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, वो भी अपने सपनों के भारत की कल्पना करते हैं। एक पंक्ति और सर ने कही, जात पात के रोग में उर्जत रही सब लोग फेर में, मानुषता तो खाई जात, ये जात पात का रोग। और आप देखते हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, यही अपनी मानवीय कमजोरियां, और भारतीय समाज में सबसे बड़ी कमजोरी थी जाति। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिस देश में 6 करोड़ लोगों को अछूत समझा जाता है, उन्हें आज़ादी का हक ही क्या है, कोई फायदा नहीं ऐसी आज़ादी का, कुछ नहीं बनना जब तक इन बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढते। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सर ने हमारे सामने रखे। इसी बीच हमारे सामने हरियाणा की एक प्रतिबद्ध और महत्वपूर्ण लेखिका कमलेश मैडम हमारे बीच में आई हैं, हम इनका स्वागत करते हैं गुरु रविदास पीठ की ओर से। और हम चाहेंगे कि 2 शब्द गुरु रविदास जयंती के अवसर पे ये हमारे बीच में कहें। और रविदास जयंती पर आप सबका अभिनंदन। देखिए सुभाष जी बता रहे थे और आप सब जानते हैं रविदास के बारे में, कोई ज़्यादा जो बात इन्होंने कही है मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो प्रोग्राम होते कुछ अलग से, ये जो प्रोग्राम होते हैं इनका मैं क्या लाभ होता है, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपको बताती हूँ। 1982 में
मैं पूना में गई थी, मेरे पति देव की पोस्टिंग थी वहाँ, आर्मी में थे वो, तो वहाँ पर एक मार्केट है जिसका नाम ज्योतिबा फुले मार्केट है, और उस मार्केट में गए तो वहाँ पर एक छोटे से स्तंभ पर एक संत की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ के लोकल से पूछा, पूना के अंदर की बात है ये, कि मूर्ति किसकी है, तो उन्होंने बताया कि ये पता नहीं जी कौन है, बस ज्योतिबा फुले के ना एन लोकल आदमी वहाँ के कि तकरीबन 4-5 से मैंने पूछा कि जी पता नहीं जी ज्योतिबा फुले के नाम से जानते, पता नहीं को भाई क्या थी जो उनकी मूर्ति लगाई, क्या महान काम की, मुझे तो पता था ही नहीं, सच्ची बताऊँ आपको। वहाँ भी कोई सज्जन नहीं बता पाया कि ये, और तब जा कर के एक ने बताया जी कोई समाज सुधारक थे, तो अपने माइंड में तो वो जो सरकारी जो टीके लगे हुए थे कि समाज सुधारक दो ही हैं, राजा राममोहन राय या फिर स्वामी दयानंद, छोट बचा पूछा थोड़ा बहुत विवेकानंद, चौथा तो कोई दिमाग में ही नहीं, क्योंकि सरकारी टीके लगे हुए थे शुरू से, बचपन से जो पढ़ा था हमने। तो तब वहाँ पता चला कि ये इतने महान थे। फिर वहाँ से आर्मी की लाइब्रेरी में किताब निकाली, छोटी सी पुस्तक मिली, और तब मैंने जाना कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले क्या चीज़ थे। तो और उसका फ़ायदा क्या हुआ, सुभाष जी जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ, विद्यार्थी हैं, नई जनरेशन हमारे सामने है, बता रहे, तो ये इन प्रचार का ये लाभ हुआ कि 1982 में जिस फूले को उसका ग्रह नगर नहीं बता पाया, उस फूले के नाम पर कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम होता है। ये लाभ हुआ इस चीज़ का, प्रचार का, लोगों की जागृति का, लोगों का, ये इस चीज़ को बताया जाए, एक वर्ग उभरा जिनको ये लगा कि वास्तव में जो लोग डिजर्विंग थे या जिन्होंने कुछ और ज़्यादा असली जहाँ पर चोट की है, उन लोगों को धीरे धीरे उसको फिर वही आ जाते हैं कि मनुवाद द्वारा उनको एक तरफ किया जा रहा है, उनमें ज्योतिबा फुले भी हैं, उनमें पेरियार भी हैं, उनमें रविदास भी हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ खास बात रही होगी जो उस युग में उस मनुवादी व्यवस्था के सामने खड़े होकर जो आज हमारे सामने प्रकाशित हैं, इसका मतलब कुछ खूबी रही होगी उनमें। तो इस और एक बात और, जाति की जहाँ तक बात है, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ व्यवसाय को भी जाति से जोड़ दिया गया है। अरे ना, ये एक व्यवसाय है वो जाति नहीं है, कृषि एक व्यवसाय है वो जाति नहीं है, जूते बनाना जूते गांठने का व्यवसाय है वो जाति नहीं है, लेकिन हमारे समाज में पता नहीं बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे उसको सारा मिलता का क्या आगे बढ़ती चली गई, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और मैं मुझे खुशी होती है जब इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, और ख़ासकर यहाँ जब आते हैं ना, तो ये सुभाष जी का जो एक सोच का तरीका है कि हमेशा वही चीज़ लेकर आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हमेशा की बात है ये, सावित्रीबाई फुले हों, पेरियार हों, भगत सिंह, यानी जिनको एक मुख्य धारा के लोगों ने एक तरफ सरकाया है, ये उनको सामने लाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए मैं इनकी हमेशा तारीफ करती हूँ। और आप लोगों का सबका मैं तहे दिल से ये मानती हूँ कि नई पीढ़ी जब रुचि लेती है इन कामों में, तो अच्छा लगता है कि भारत का भविष्य ऐसा है कि जिन चीज़ों पर लगातार चोट की जाएगी इसकी ज़रूरत है, और चीज़ें धीरे धीरे समाज से ख़त्म हो जाएंगी, और जो हम चाहते हैं समतामूलक समाज हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, पितृसत्तात्मक का जो एक खौफ हमारे ऊपर है वो ख़त्म हो, तो ये चीज़ें तभी होंगी जब लोग उनके बारे, जब हम जानेंगे ही नहीं किसी के बारे में तो उसको हम करेंगे क्या। तो सबसे पहली बात है जानना, उसको समझना, और उसके बाद उसमें जो गलत है उसको हटाने का प्रयास करना, और ये तभी होगा जब हम इस तरह के छोटे छोटे कामों में जुटे रहेंगे। यहीं से हमें रोशनी मिलेगी, यहीं से हमें समझ मिलेगी, और यहीं से हमें ये लगेगा कि ये चीज़ सही और ये गलत है, हमारे अंदर विवेक जागेगा कि किसके साथ क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, और उसको हमने कैसे तब्दील करना है, ये हमारी समझ में आएगा जब हम ऐसे संस्थानों में आएंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, इनकी बात सुनेंगे। और इसी के साथ मैं अपना तो समाप्त करती हूँ, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम कमलेश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने रखे, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा इस कार्यक्रम के हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश सहनी को, कि वो आए और अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी हमारे मध्य रखें। प्रोफेसर सुभाष जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मादर आदर एवं सम्मान के योग्य कमलेश जी, आमंत्रित विशिष्ट अतिथि, स्टूडेंट्स,
सर्वप्रथम तो मैं गुरु रविदास पीठ को बधाई देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम का उन्होंने आज आयोजन किया और गुरु रविदास का चिंतन और हमारा समाज इस विषय पर सुभाष जी ने एक बहुत ही सरल भाषा में अपना व्याख्यान रखा। कई बार हम ये सोचते हैं कि वो जो सरल भाषा में बोलता है वो किसी काबिल नहीं है, उसको ज़्यादा सीरियसनेस से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो संत रविदास भी सरल भाषा में ही बोलते थे, संत कबीर भी सरल भाषा में। कुछ ऐसे आप व्यक्ति से मिलेंगे, कभी लेक्चर सुनते हैं तो उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेम ड्रॉपर्स, वो भारी भारी नाम छोड़ते हैं बीच के अंदर डराने के लिए, या भारी भारी शब्द बोलेंगे ताकि सामने बैठे हुए लोग डर जाएं। अभी इन्होंने बात की कि ग्रंथों में ऐसे ऐसे चीज़ें लिख देते हैं तो जो बाकी जनता है, आम जनता 80% उनको भयभीत कर दें कि भाई पता नहीं क्या लिखा है इस ग्रंथ के अंदर। तो इनका जो भाषण है, सबसे पहला सवाल जो एक साहित्य के विद्यार्थी के मन में आना चाहिए कि हम लिटरेचर को पढ़े क्यों रहे हैं। कई बार आप हॉस्टल में जाते हैं, साइंस का स्टूडेंट मिलता है आपको कॉरिडोर में, वो बच्ची पूछते हैं तो ये रोज़ पतली सी किताब रविदास के छंद लेके जा रही, करते क्या तुम इससे, तुम्हारे पढ़ने से होता क्या है, ये लिटरेचर पढ़ने से कुछ होता है क्या, हम तो साइंस के अंदर बनाते हैं कोई रासायनिक पदार्थ बना दिया, हमने रॉकेट बना दिया, हमने ये पंखा बना दिया, करते क्या हो तुम लोग, तुम्हारा योगदान क्या है। तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ अंग्रेजी भाषा में, तुम क्या जवाब देती हो, क्या जवाब देते हो, हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं। तो आज अगर आप आज के प्रासंग को, आज के परिप्रेक्ष्य को देखें, कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो विदेशों में भी जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसको हम लिबरल आर्ट्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स के साथ आप म्यूज़िक पढ़ सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री के साथ लॉ पढ़ सकते हैं। मैं भी अमेरिका गया तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा था पर मैंने म्यूज़िक भी पढ़ा और लॉ भी पढ़ा साथ में। उसका फ़ायदा क्या होता है, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल मानवीय कारणों से क्या किया जाए ये हमें लिटरेचर पढ़ के समझ आएगा, मानव कौन है, मनुष्य कौन है। तो रविदास जी हमें ये बोध कराते हैं, अगर हम उनकी रचनाओं को पढ़ें, कि वास्तविकता में इंसान मानव कौन है, हमारे को अपनी ही पहचान कराते हैं। एक शीशे के रूप में प्रतिबिंब देखते हैं, सोसाइटी का हम प्रतिबिंब देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें वापस उस कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा जब वो लिख रहे थे, क्या परिस्थिति रही होगी, कहाँ वो पैदा हुए और कितना द्वंद्वात्मक वो सीन होगा कि एक तरफ तो प्रखंड पंडित बोल रहे हैं और एक तरफ ये व्यक्ति लिख रहे हैं उसको। तो इसको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म बोलते हैं, जब हम लिटरेचर में इंग्लिश में बात करते हैं कि हम हिस्ट्री को, हाउ लिटरेचर इज कंस्ट्रक्टेड, लिटरेचर कैसे बनता है, क्या क्या उसके कॉन्टेक्स्ट हैं, कैसे लिखा होगा, तो ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। तो क्या हम रविदास जी को एक व्यक्ति के रूप में पढ़ें, क्या उनको एक संत के रूप में पढ़ें, क्या उनको एक विचार के रूप में पढ़ें, ये हमें सिलेक्शन करना होगा कि हम एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एक लिटरेचर के विद्यार्थी होने के नाते हम क्यों जा रहे हैं संत रविदास के पास, और जो उनकी रचनाएं हैं क्या उनको हम एक पोथी के रूप में पढ़ें या उनको एक टेक्स्ट के रूप में पढ़ें। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आज की 21वीं सदी में ज़्यादा समझ में आएगी बात कि कितना महान कार्य वो लोग कर रहे थे। तो अगर आप रिलीजन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, रिलीजन कैसे पैदा हुए, सबसे पहले हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, सभी के अंदर भगवान पैदा हुए, पता नहीं कैसे पैदा हुए, फिर धीरे धीरे भगवान को हम धरती के ऊपर ले आए, आधा गॉड आधा माँ ऐसे पैदा हुए, कोई अदृश्य शक्ति, उसके बाद भगवान को उठा के हम संतों के अंदर ले आए, संत के अंदर भगवान रहता है, फिर संतों से हम कवियों के अंदर ले आए, फिर ये चक्र हमने उल्टा शुरू कर दिया, अब दोबारा हम पहुंच गए हैं संत, दोबारा संतों से फिर भगवान, अब पता नहीं हम कहां जाएंगे, ऊपर ढूंढ रहे हैं वापस उसी भगवान को जो पता नहीं कहां से आया है। ये चक्र है, एक हम वापस जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच रहे हैं वापस। अभी आप आज 21वीं सदी के अगर
कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, हम वापस वही जा रहे हैं, अदृश्य शक्ति अदृश्य, अभी वायुयान उड़ेंगे ऐसे उड़न खटोले। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम, एंटन चेकम ने, रशियन राइटर है, एक बात बोली, क्वेश्चंस रेज्ड इन लिटरेचर आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आंसर्स गिवन। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम, वो हमारे से प्रश्न पूछता है लिटरेचर। लिटरेचर आपको कोई आंसर नहीं देता, जवाब नहीं देता। लिटरेचर में आंसर के लिए नहीं जाना चाहिए, प्रश्नों के लिए जाना चाहिए। तो जैसे कमलेश जी ने कहा कि प्रश्न वो हमें झिंझोड़ के रख दे, ऐसा लिटरेचर जो हमारे से खुद पे अपने ऊपर सवाल करने के लिए हमारे को बाध्य कर दे, वो लिटरेचर इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो ये आयोजन है, इसके लिए मैं सुभाष जी को और गुरु रविदास पीठ और आप सबको बधाई देता हूँ, और स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली कि आप सब इतने शांति से, आपने लगभग सवा घंटा हो गया हमारे को बात करते हुए, आपने सुना हमें, और ऐसे ही आयोजन होते रहेंगे और हम मिलते रहेंगे आपस में। और लिखना चाहिए आपको, जैसे डिफरेंट परंपराएं हैं कि आपस में कबीर और रविदास का कैसे संवाद होता है, ये भी लिखना चाहिए, और इन सबका दूसरों से कैसे संवाद होता है, ये एक रिसर्च का विषय है, तो करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई जो रविदास के चिंतन में भी बार बार आती है, और साहित्यकार बार बार इस पर बात करते हैं कि दुनिया में तमाम तरह की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कोई चिप बन रही हैं, कोई फेक पोस्ट बन रही हैं, कुछ कुछ बन रहा है, लेकिन साहित्य जो काम करता है वो मनुष्यता को निर्माण का काम करता है, जिसे हरियाणवी में कहते हैं मानस बन जा, पंजाबी में कहते हैं बंदा बन बंदा, और रविदास के हर तीसरे चौथे दोहे में यही बात आएगी, मनुष्यता। और मनुष्यता का सरोकार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन में, कि अगर आप मानव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बनारसा एक बात कहते हैं कि जिसका हम कल्पना करते हैं उसका हम सृजन कर ही लेते हैं, और रविदास की जो कल्पना थी रोटी नून की और बेगमपुरा की, ऐसी छोटी छोटी कल्पना थी, कोई बड़े सोने की हवेलियों की कल्पना नहीं थी जिसमें मानव भ्रमित होता रहता है। आज की इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जसबीर सिंह को कि वो आए और आए हमारे यहाँ मेहमानों का धन्यवाद करें। डॉक्टर जसबीर, धन्यवाद। आज की इस विचार गोष्ठी में गुरु रविदास पीठ के माध्यम से और हिंदी विभाग की तरफ से गुरु रविदास जी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। आप लोगों ने बहुत तहे दिल से सुना और उनके विचारों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोई ना कोई विचार जरूर ग्रहण किया होगा, क्योंकि इन्होंने मानव समाज को एक दर्पण दिखाया है कि किस तरीके से हमारा समाज है वो जाति पाति के संकीर्ण विचारों से गुथा हुआ है, वो मानवता को भूल करके सिर्फ क्या है, उस जातिवादी के विचारों में ही उलझा पड़ा है। तो कैसे उन श्रृंखलाओं को तोड़ना है और किस तरीके से समाज को एक मानवता की ओर लेकर जाना है, तो इस आज के कार्यक्रम में हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष जी, इन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए आप लोगों को, बड़े खुलकर विस्तार से उसकी व्याख्या की, और उनके जो दौरान दूसरे संत थे कबीर दादू रैदास, उनके माध्यम से आप लोगों को बड़े विस्तार से समझाया। हमारे भाषा एवं कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर ब्रिजेश साहनी जी इंग्लिश डिपार्टमेंट से, आज इन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, साथ ही हमारे बीच में कमलेश जी हैं, इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से आप सभी को आशीर्वाद दिया, और आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा पूरा योगदान दिया, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और यह कार्यक्रम यहीं समापन की ओर जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि दो मिनट के लिए बैठिए, इसमें हमारा जो कार्यक्रम है प्रसाद के रूप में वो सभी ग्रहण करके जाएं,
और उसके बाद कार्यक्रम का समापन।